हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि SBI ATM कार्ड्स के बारे में, वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या लिमिट्स रहती हैं, क्या वैलिडिटी रहती है, कहाँ कहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्या अदर बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे SBI ATM कार्ड से रिलेटेड, कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनकी फैसिलिटीज रहती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक टेबल फॉर्मेट में सारे कार्ड्स को लिख दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कार्ड का नेम दिया है, यहाँ पर सारे कार्ड के नाम आएंगे, यहाँ पर लिमिट पर डे दिया है कि आप ATM से कितने रुपए निकाल सकते हो, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आप शॉपिंग जो है कितना खर्च कर सकते हैं शॉपिंग में पर डे, वो यहाँ पर इंडिकेट मैंने लिखा गया है। वैलिड यानी कि वो इंडिया में वैलिड है या ग्लोबल में वैलिड है, वो यहाँ पर है। AM चार्ज यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हर कार्ड का मैंने लिखा गया है। अदर बेनिफिट, अगर उस कार्ड में कोई अदर बेनिफिट है तो वो मैंने यहाँ पर कवर किए गए हैं। और रिमार्क में मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, क्या कंडीशन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रिमार्क में लिखी गई हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड निकल के आता है वो है क्लासिक कार्ड, ठीक है, जिसमें से इस कार्ड से आप ATM से 20,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और POS यानी कि आउटलेट्स पर आप शॉपिंग कर सकते हो 50,000 रुपये तक की। ये वैलिड रहता है ओनली इन इंडिया। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आता है 125 प्लस 18% GST, ठीक है, इसमें कोई अदर बेनिफिट नहीं है और रिमार्क भी कोई नहीं है, ठीक है। ग्लोबल सेकेंड कार्ड आता है हमारा, ग्लोबल SBI का ग्लोबल कार्ड, ठीक है, इससे आप ATM से 40,000 रुपये निकाल सकते हो, 2,00,000 रुपये तक की आप शॉपिंग कर सकते हो और ये कार्ड जो है वैलिड रहता है ग्लोबल, ठीक है। इस कार्ड की जो रेट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 175 रुपये प्लस 18% GST, ठीक है। SBI टच थर्ड कार्ड जो आता है वो SBI टच का है, ये जो है इससे आप 40,000 रुपये निकाल सकते हो ATM से, 75,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड जो है ग्लोबली वैलिड है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 175 प्लस 18% GST इसमें रहता है। नेक्स्ट जो SBI का कार्ड आता है SBI गोल्ड कार्ड, ठीक है, इससे आप 50,000 रुपये ATM से निकाल सकते हो, 2,00,000 रुपये तक की आप शॉपिंग कर सकते हो और ग्लोबली ये वैलिड रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो 175 प्लस 18% GST। अब इसमें अदर बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि 2,00,000 एक्सीडेंटल कवर, अगर एक्सीडेंटल कवर इसमें आपको 2,00,000 का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। और लेकिन इस कार्ड की जो है एलिजिबिलिटी ये रहती है कि क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस आपका 50,000 रुपये होना चाहिए, तभी आप गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो आता है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि आपका अगर क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस 1,00,000 रुपीज है तभी ये कार्ड बनेगा, अदरवाइज ये कार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें से आप ATM से 1,00,000 रुपये तक निकाल सकते हो, 2,00,000 रुपये तक की आप शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड ग्लोबली वैलिड रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो 175 प्लस 18% GST रहता है। अदर बेनिफिट की बात करें तो आपको इसमें 5,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। देन आपका आता है हमारा नेक्स्ट SBI का प्रीमियम कार्ड, ठीक है। इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस आपका 5,00,000 रुपये होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये कार्ड आपका नहीं बनेगा। ATM से आप इससे 2,00,000 रुपये तक निकाल सकते हो, 5,00,000 रुपये तक की आप इससे शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड ग्लोबली वैलिड रहता है।
एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें 175 प्लस 18% जीएसटी रहता है। नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो है एसबीआई का सिग्नेचर कार्ड, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए तक आप एटीएम से निकाल सकते हो, 3 लाख रुपए तक की आप इससे शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड ग्लोबली वैलिड रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें 175 प्लस 18% जीएसटी रहता है। और इसमें एक्सीडेंटल कवर जो है 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर रहता है। और लेकिन जो एलिजिबिलिटी है इसकी थोड़ी टफ है, इसको जो है बैंक डिसाइड करता है किस अकाउंट होल्डर को ये जो है सिग्नेचर कार्ड देना है या किसको नहीं देना है, वो टोटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अगर कोई इसके लिए अप्लाई करेगा तो बैंक डिसाइड करेगी कि उसके लिए सिग्नेचर कार्ड देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो हमारा आता है एसबीआई का प्राइड कार्ड, ठीक है। इससे आप 1 लाख रुपए तक एटीएम से निकाल सकते हो, 2 लाख रुपए तक आप इससे शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड भी ग्लोबली वैलिड रहता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें 175 प्लस 18% जीएसटी रहता है। और ये कार्ड जो है स्पेशल कार्ड है, ये केवल करेंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही बनता है, जो कि बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये कार्ड एसबीआई का प्राइड कार्ड बना गया है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एसबीआई से रिलेटेड, एसबीआई एटीएम कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें, जिससे कि वो भी जान सकें कि एसबीआई एटीएम कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटी हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।